फाइनली भैया लो आ गई है, आप भी देख लो और आप लोग को भी दिखा दिया टूटू ने कौन सी फोटो चूज की है अपने फैमिली फोटो के लिए जो वो ले जाएगी स्कूल। आज का दिन शुरू हुआ है दो बड़े अचीवमेंट से। सबसे पहला बड़ा अचीवमेंट जो है, हमने कल रात को फाइनली मूवी खत्म कर दी, शर्मा जी की बेटी, जो हम लोग देख रहे थे। मूवी बहुत ही बढ़िया है, पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी लगी मूवी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टूटू के सामने देखने के लिए शायद थोड़ा जल्दी हो गया था। टूटू अभी भी छोटी है, द काइंड ऑफ इश्यूज डिस्कस किए हैं जो मूवी में, मतलब मैं आपको देखो एक जिज दे देता हूँ, बाकी आप बेस्ट जज हो डिसाइड करने के लिए कि आपको अपने बच्चे को दिखानी है या नहीं दिखानी है। द मूवी इज अबाउट काफी लोगों का सरनेम जो शर्मा है, जो मुंबई में रहते हैं, उन लोगों की स्टोरी है। एक मॉम की स्टोरी है, एक कपल की स्टोरी है, उसमें उनके बच्चे हैं, उनकी स्टोरी है, वो क्या चीज़ से डील कर रहे हैं, वो ग्रो अप हो रहे हैं। तो यू नो, लड़कियों के लिए जैसे जब वो ग्रो अप हो रहे हैं तो वो प्यूबर्टी वाला एज एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, योर हॉर्मोन्स वाला एज, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस किए, वो सारे इश्यूज डिस्कस किए। मुझे ऐसा लग रहा है टूटू अभी 7 साल की है, तो उसके लिए थोड़ा जल्दी हो गया ये इंट्रोड्यूस करना या बताना उसको ये सारी चीज़ें। बाकी यू गाइस आर द बेस्ट जज, आई एम नॉट श्योर। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि नहीं यार, मे बी अबाउट 10-12 साल की अगर टूटू होती तो उस वक्त आई थिंक सही टाइम होता था उसको दिखाने का ये मूवी, बट अब उसने तो देख लिया, वी कांट डू मच बिकॉज इवन वी डिडंट नो कि कैसी है मूवी। बट मूवी बहुत बढ़िया है, बहुत ही स्वीट सी मूवी है, इश्यूज डिस्कस किए हैं, लाइक आई लाइक्ड इट। मैं तो यार आई एम नॉट अ बिग क्रिटिक ऑफ द मूवी, ठीक है। मैं जेन्युइनली ऑलमोस्ट सारी मूवीज ना अच्छी बोलता हूँ बिकॉज मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि हर एक मूवी ना एक बार देखने लायक तो होती है, अनलेस बहुत ही हॉरिबल मूवी हो और आप आधे मूवी में से थिएटर में से बाहर निकल रहे हो। एनीवेज, तो वो खत्म किया और दूसरा काम ये कि आज सुबह सुबह उठ के जिम आया मैं। मतलब आज सुबह उठने में ऐसी हालत खराब हो गई थी, 9-10 दिन के बाद आज जिम आया हूँ, सो फील्स ग्रेट, अच्छा लग रहा है, चेस्ट वर्कआउट किया, सो ग्रेट स्टार्ट टू द डे। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो द टाइम इज 9:05, यहाँ पर टूटू हो गई है रेडी, ऑलमोस्ट हो गई है रेडी, यहाँ पर टूटू की बैग रेडी है, लेकिन आज जो रेडी नहीं है वो हूँ मैं, क्योंकि कल टूटू के स्कूल से हम लोगों को मिला था ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन शीट, ये मैं भर रहा हूँ अभी बैठ के। मैंने ऑफकोर्स उसको हाइड किया बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं भर चुका हूँ, लेकिन उसके साथ एक बहुत बढ़िया चीज जो मिली हमको उसमें ये है कि All about me, इसमें हमको लिखना है कि हम टूटू को कितना जानते हैं या टूटू के बारे में बेसिकली। सो जैसे फेवरेट कलर पर्पल, फेवरेट फूड गार्लिक ब्रेड, फेवरेट सब्जेक्ट आर्ट, उसका इंटरेस्ट आर्ट एंड जिम, वो क्या एंजॉय करती है। इसमें सबसे अच्छा लगा मुझे प्लेइंग विथ हर ब्रदर, ये उसने मेरे को खुद ही बोला कि आई वॉन्ट टू राइट दिस। What she doesn't like is waking up early, जो हम सबको ऑलरेडी पता है, क्योंकि सुबह उठना उसको स्कूल जाने के लिए बड़ा दिक्कत होता है। और यहाँ पे गोल्स फॉर माई चाइल्ड इज wants to be an actress, wants to improve in math, wants to upskill in art, ये सारी चीजें उसने बताई है, मैंने उसको पूछ के ही भरा है। उससे बढ़िया चीज एक और जो उसके स्कूल में आज दिया है वो है सितंबर का पूरा कैलेंडर, जहां पर हमको मार्क करना है, प्लीज इनिशियल डालना है ईच डे योर चाइल्ड रीड्स, तो रीडिंग को कितना ज्यादा एनकरेज कर रहे हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग। कल टूडे जब स्कूल से आई थी उसने पढ़ा था, तो आंचल ने मार्क कर दिया अपना इनिशियल आज सुबह का। हाँ And you see this two thing which actually it has homework too. Spiral math review, I think this is pretty good. So वेरी गुड थिंग, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये देख के हमको अच्छा लगा। ओह नाइस, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। चलो यार बढ़िया है। सो एग्जैक्टली 9:12 और हम लोग पहुंच गए, सो प्रीटी हैप्पी भाई, टाइम पे पहुंचे हैं। वैसे तो लेट उठी थी, 8:40 के आसपास उठी थी, बट शी स्टिल मेड इट, विच इज़ अ बिग थिंग। और यहाँ पर जब आओ टाइम से जल्दी आ जाओ, तो यहाँ इतने सारे बच्चे दिखते हैं। आई नो, इसने जैसे उठाया मैंने उसको बोला कि टूटू आप लेट हो जाओगे, बोलती नहीं पापा आई विल नॉट बी लेट, ऐसे भाग दौड़ की है। मम्मा ने बोला, हाँ मम्मा ने बोला था, राइट, बाय, लव यू, बाय। अरे वाह वाह वाह, यहाँ पर तो मस्त धूप का लुफ्ट उठाया हुआ जा रहा है भाई, पूरा कैरेट का पैकेट लाके बैठा है, और ओपन छोड़ना, बंद भी नहीं कर सकते उसको। आज क्यों भाई इतना हेल्दी, सुबह सुबह इतना हेल्थ कॉन्शियस कैसे हो गए आप? तीसरा कैरेट और रात भर जो खाना वाना नहीं खाते हो, सिर्फ दूध पीते हो, उसका क्या करें हम लोग? कर दिया इसने यार, खाना ही नहीं खाता है यार। आप लोगों को टिप्स तो बताओ, खाना कैसे खिलाएं इस बच्चे को, खाता ही नहीं है कुछ। डेकर वाली बोलती कि खा लेता है, खैर बच्चों को देखा देखी खा लेता होगा, उधर घर पर तो नहीं खाते तो आके बहुत मुड़ी। कल मैंने उसको दाल राइस बनाए थे रात को, नहीं राइस एंड सब्जी वो बना के खिला रही थी, 6-8 स्पून खाए उसने, मुझे लगा चल अच्छे से खा रहा है, फिर बोलता है बस बस। The struggle with the toddler. Toddler है ना ये? Toddler है, and इसका ज़्यादा struggle है। टूटू को जो मैं एक आँख दिखा रही थी ना,
वो खाती रहती थी बेचारी, ने कभी तंग नहीं किया यार। फर्स्ट बॉर्न्स बहुत सीधे होते हैं, फर्स्ट बॉर्न्स हमेशा ऐसे सीधे होते हैं, सेकंड बॉर्न्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा नॉटी होते हैं। ये तो सेकंड बॉर्न है, तुम कौन सा बॉर्न हो अंचल? लेट द साइलेंस स्पीक फॉर इटसेल्फ। वेरी फनी, साइलेंस इज गोल्डन, तुम बोलते हो ना कॉल पे। मैं बोलता हूं कॉल पे बोलता हूं। चलो रेडी करें इसको, फिर भेजें इसको भी डे केयर, तो हम काम करें। तुम निकल गए हो दीदी, बाय बाय दीदी, बाय बाय दीदी, चलो डे केयर। नहीं गया, कैरेट लेके देखो गया, वो कुछ ट्राई कर रहा है। वाह वाह वाह, लेकिन अटक गया, ट्राई तो कर रहे हैं, अटक। ओए गॉट इट, उसको बोला आओ हम कपड़े चेंज कर देते हैं, इज लाइक ना खुद से करेगा वो। मैंने बाहर निकाल ली थी। हाँ हाँ ओके ओके, हाँ थोड़ा बहुत तो हेल्प लगेगा ना यार। तो भाई ढाई बज गए हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आचल, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, टाइम नहीं देगा तुमने, नहीं देगा टाइम? हाय, मैं तब से कॉल पे लगा हुआ हूँ, फाइनली जाके कॉल्स वॉल्स खत्म किए, और अभी ढाई बजे का एक और कॉल है। मैंने कहा दूसरा कॉल ज्वाइन करने से पहले फटाफट से तुमको विश कर लूं, और बाकी सब लोग भी विश कर ले तुमको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। डोंट गो इन द रूम, रूम बड़ा गंदा पड़ा है, बट अगर दिख रहा है तो ठीक है, आई डोंट नो, नहीं दिख रहा है तो फिर कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो अच्छी बात है। नहीं, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। वैसे ये तो है अभी इंडिया वाला बर्थडे शुरू हुआ है तुम्हारा, कनाडा वाला बर्थडे तो कल शुरू होगा। मैं आया हूँ टूटू को पिकअप करने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है 3:30, एंड टूटू मुझे कुछ बता रही है उसने क्या किया आज स्कूल में। वाह, ये ना टूटू ने बनाया अमायरा ड्राइंग, और इसके टी शर्ट पे लिखा हुआ है बेंच डे। ये कब बनाया आपने? बट वेन इन योर रिसेस? नाइस, तो ये आई थिंक काफी सारे बच्चों ने ड्राइंग की हुई है पूरे फ्लोर पे, और उसमें टूटू ने ये बनाया हुआ है, मुझे तो याद नहीं है। ओ यू मेड दैट वन, वेरी नाइस। वही मैं बता रहा था ना, मुझे तो याद नहीं, हम लोग स्कूल में ऐसा कुछ करते थे। आई थिंक ये लड़कियों वाली चीज है, लड़के शायद इतना नहीं करते हैं ये। हैप्पी बर्थडे टू यू, टिकी यू से हैप्पी बर्थडे, से हैप्पी बर्थडे आपा टू यू, भाई हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टूटू, आ जाओ हक करो मम्मा को, हैप्पी बर्थडे बोलो। Very good. Thank you. बोल रहा है ये आज सुबह से, मैं जैसे जब से ये आया है घर पे, तब से मैं आंचल को बार बार जाके ना हैप्पी बर्थडे विश कर रहा हूँ, हक कर रहा हूँ। ऑफकोर्स मैं हर एक बार विश करूंगा तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये इसको ऐसा लग रहा है कि नहीं पापा गो हक, पूरा दिन हक ही करता रहा मैं मम्मा को। टिक्की व्हाट यू वर सेइंग? ओए अभी वो टीवी में बिजी हो गया, वहां पर पता नहीं कौन सा तो क्या उसके माँ बाप से इम्पोर्टेंट चीज चल रही है वहां पे। सब बच्चों का यही हाल है भाई, टीवी जैसे देखना चालू करते माँ बाप को भूल जाते। व्हाट आई हग मम्मा, ठीक है आई हग, अभी कैसा जलेगा देखना। ये माय मम्मा आया माय मम्मा। ओ देखो वहां से टूटू भी आ रही है, अरे बाप रे भाई, सब लोग सब इतने बड़े जल कुकड़े हैं। कैसे कर रहा है पापा? अब दीदी बेटा, दीदी भी तो है ना, दीदी भी तो मम्मा की है ना। कितना जल कुकड़ा है ये लड़का, कसम से देखो कैसे जलता है, कैसे जलता है। हाँ उसको ऐसा, आई थिंक वो खाली तुम्हारे लिए ऐसा करता है या सबके लिए ऐसा करता है? सबके लिए ऐसा करता है ना। अगर यही अगर आंचल मेरे को आके हक करेगी ना, व्हाट आई लुक, व्हाट इज दिस, अरे अच्छा वो ऊपर चढ़ गया, ये देखो ऐसे, और वो दिखा रहा है एक, अभी गिरा, अभी एक ही क्लास गया है वहाँ पे। एक ही खाली संडे को तो एक ही क्लास गया था। टिकी फॉल, टिकी फॉल, ऐसा लगता है सब बात करता है ये, अभी पता है। अरे आज अभी यहाँ से आया डेके से, तो मैं चाय पीती थी, तो मैंने एक स्लाइस ब्रेड बटर लिया और टूटू को भी दिया, तो आके बोलता है मामा ब्रेड ब्रेड, मैंने कहा यू वांट ब्रेड, तो मैंने उसको दिया ब्रेड बटर, तो ओपन करता है देखता है बटर, बोलता है नो ब्रेड बटर, मतलब देन व्हाट यू वांट, चॉकलेट ब्रेड। टिकी व्हाट, टिकी व्हाट यू एट, टिकी व्हाट यू एट, ईटिंग व्हाट, चॉकलेट
चॉकलेट ब्रेड, तो आई थिंक वो डे केयर में खाता है ना, मेरा कि शायद न्यूट्रेला ब्रेड वहाँ पे खाता खाता रहेगा, तो उसको वो मैंने कहा, फिर मुझे लगा यार कुछ भी नहीं खाता है, मैंने कहा ले ले बाबा एक खा ले। नो नो वंडर हम कंप्लेन करते कि कुछ खाता नहीं है, डे केयर में अच्छे से खाता है, ऑफ कोर्स डे केयर में उसके मन की चीजें मिल रही है ना उसको, नहीं खाना भी मिलता है, ये स्नैक में मिलता होगा। आई सी। सर यहाँ पर मैं आया हूँ वॉलमार्ट में। सो आज सुबह जब मैंने टूटू का फाइल देखा था ना, उसमें मेरे को याद आया कि उसके फाइल में जो मैंने आपको दिखाया उसमें उन्होंने ना स्कूल में एक फैमिली फोटो भी मंगाया हुआ था, तो मैंने कहा चलो ठीक है वॉलमार्ट आ जाते हैं। तो वॉलमार्ट में फंडा प्रिंटिंग का बड़ा सिंपल है, यहाँ पर आओगे ना, यहाँ पर ऐसे मशीन्स रखी हुई है आपके पीछे, आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर लो या तो किसी वायर के थ्रू या तो यूएसबी ट्रांसफ़र मतलब यूएसबी के थ्रू या तो आप एयर ड्रॉप उनका वाईफाई नेटवर्क ज्वाइन करके आप फोटो ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे वो फोटो ट्रांसफ़र हुआ, साइज सिलेक्ट करो, कौन सा फिनिश चाहिए वो सिलेक्ट करो, और वो कर करा के आपको बस करना है यहाँ पे डन, और आपको रिसीट आ जाएगी, आप फ्रंट डेस्क पे जाके आप फोटो कलेक्ट कर सकते हो। मतलब इतना सिंपल तरीका है यहाँ पर फोटो कलेक्ट करने का। फाइनली भैया लो आ गई है, आप भी देख लो और आप लोग को भी दिखा दें टूटू ने कौन सी फोटो चूज़ की है अपने फैमिली फ़ोटो के लिए जो वो ले जाएगी स्कूल। वैसे मैंने जैसे आपको बता रहा था प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, मैंने भरे इसके कुछ 50 सेंट्स खाली फॉर अ 4x6 फोटो एंड आई थिंक विद इन मिनट्स उन्होंने दे दिया। ये रहा, ये देखो, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। तो ये वाली फोटो चूज किया टूटू ने, यूएस वाली, और सजेस्ट किसने किया ये वाली, आंचल ने, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया है, अच्छी है ना ये फोटो। तो अभी टूटू ये कल ले जाएगी स्कूल, और कहाँ लगाओगे इसको, फैमिली ट्री। उसमें क्या होता है मतलब जरा समझाओ थोड़ा सा। हाउ स्वीट, ताकि बच्चों को अगर फैमिली की याद आए तो वो लोग जब चाहे तब देख सकते हैं अपनी फैमिली को स्कूल में बैठे बैठे। यार ये कॉन्सेप्ट हमारे स्कूल में तो नहीं था, आपके स्कूल में था, या आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ जब मैं स्कूल जाया करता था। अभी के बच्चे, आपके अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाओगे, आप लोग ज़्यादा बेटर बता पाओगे कि अभी के टाइम में ऐसा कुछ आपके बच्चों के साथ स्कूल में होता है या नहीं होता है कि फोटोज वगैरह मंगाते हैं, तो अगर होता है तो प्लीज़ ज़रूर बताना। वाह 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 भाई, क्या बन रहा है तुम्हारा स्पेशल बर्थडे डिनर? बर्थडे तो कल है वैसे, बट इंडिया बर्थडे डिनर मतलब इंडिया बर्थडे मान लो यार, वही तो चल रहा है। बर्थडे डिनर बन रहा है ब्रेड पिज्जा, तो घर का पिज्जा है जो मतलब नॉर्मल, एक इसका मैं डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ, दो डिफरेंट स्टाइल है। आज मैंने सब्जी का जैसे मसाला भूनते हैं ना वैसे, प्याज टमाटर काट के हरी मिर्च डाल के और मसाले पूरे डाल के मसाला हल्का हल्का भूना, मतलब पूरा तरह से काले मतलब पूरे ब्राउन, प्याज को ब्राउन नहीं किया, गोल्डन ब्राउन करके टमाटर डाल के मसाला तैयार किया, कुछ ऐसा लग रहा था लाइक अंडर द चीज ऐसा, कितना मस्त लग रहा है, एकदम पिज्जा टाइप भी लग रहा है यार। और उसके ऊपर चीज उनका मतलब वॉलमार्ट गए तो ले आओ। और दूसरा तरीका है उसमें ब्रेड के ऊपर मसाला सॉस नहीं भूनते हैं, उसमें थोड़ा सा पिज्जा सॉस केचप लगा के उसमें छोटे छोटे अनियन बारीक काट के पनीर एंड कैप्सिकम स्मॉल स्मॉल टुकड़े करके पीसेस करके, और कॉर्न भी डाल सकते हैं, कॉर्न भी डालते हैं वो करके, देन उसके ऊपर चीज लगा के फिर अभी इसको भी मैं एयर फ्राई करूंगी या फिर तवे पे बना सकते हैं, तवे को गर्म करके उसमें ये रख के उसको थोड़ा ढक देना है, ये दोनों वे में वो भी बनाती हूँ ये भी बनाती हूँ। और टूटू का दिखा दो क्या खा रही है। टूटू के लिए बनाया है गार्लिक ब्रेड, जैसे आपने आज सुबह ही देखा। हाँ बेटा, अरे वाह वेरी नाइस, ये भी बहुत अच्छी बनाई है। मम्मा मी टिक्की एंड मिस्टर पापा, एडिटिंग के लिए हेल्प आ गई है। वो तो वो हेल्प नहीं है, वो हेल्प तो मतलब छोड़ ही दो, वो क्या ही हेल्प करेगा। और जैसे मैंने आपको सुबह ही बताया आज चुटू के फॉर्म में कि उसका फेवरेट फूड उसने लिखा था गार्लिक ब्रेड, लो गार्लिक ब्रेड मिल गई उसको अभी के अभी। टूटू आप कुछ और मांग लेते हैं और आपको कुछ और मिल जाता था, आपने सुबह बोला गार्लिक ब्रेड और अभी आपको मिल गई गार्लिक ब्रेड, बताओ क्या बढ़िया चीज़ है आपके लिए ये। तो चलो भाई ये अभी डिनर विनर करेंगे और दिन को कर देंगे ख़त्म। अरे ए मेरा पूरा एडिटिंग खराब कर देगा, पूरा वीडियो जो मैंने एडिट करके रखा हुआ था ना उसको पूरा उसने टाइमलाइन से हिला दिया मेरे को, इसलिए वो बंद करके फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। तो चलो यार आज की वीडियो को गाइस यहीं करते हैं एंड, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो यू नो व्हाट टू डू, इसे लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर करिए आप अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ या फैमिली मेंबर के साथ, कुछ अच्छा लगा हो कुछ बुरा लगा हो कुछ क्वेश्चन या कॉमेंट्स हो तो कॉमेंट्स बॉक्स यूज करके कॉमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर एंड स्टेप पे आप भी करो ऐसे स्टेप पे लो भैया स्टेप पे।